वजीरगंज प्रखंड के सहिया गांव में राम कुमार सिंह एक गरीब लाचार बेवस परिवार है। इनके घर में खाने को अनाज और पहनने को कपड़े भाग्य भरोसे हैं, जबकि रहने के लिए ईंट और मिट्टी से सालों पुराना खंडहर नुमा घर है, नेवारी ठाट से बना हुआ है जो काफी जर्जर और खुले हालत में है, और दीवार की चार दीवारी दीवार को छोड़ चुका है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस साल बरसात में छप्पर गिरने के उपरांत एक तिरपाल डालकर रह रहे हैं। इंदिरा आवास सरकार से मुहैया हो जाता तो बहुत कृपा होती। राम कुमार सिंह बताते हैं, पूर्व में प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में आवेदन देकर सरकारी सहायता का गुहार लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। हाँ, घर में बहुत परेशान थे, पानी की रहे के जगह में एक तो बीमारे सब दिन पानी में, और पानी की और क्या दिक्कत है? दहिया में नहीं, घर में। हाँ, घर में खाई पिए क्या होगा, घड़ी पैदा उदा हुए है, खेत बाड़ी है या नहीं, काम है। परेशानी वही, दूगो बच्चा है, पढ़ाने लिखाने के लिए कुछ नहीं है, घर में दाना पानी नहीं है, गरीब आदमी है, घर द्वार में पानी चूता है, घर सब दहलडन मनाइल है, रात भर बैठ के बिहान करते हैं कि अखनी घर गिर जा सकता है, कोई अनिश्चित नहीं है। इसके लिए वीडियो साहब के बात नहीं किए? वीडियो साहब आए थे तो वीडियो साहब बात किए थे तो बोले अभी कि अभी डॉक लोन चल रहा है, डॉक लोन के बाद हम कुछ सोचेंगे। और कुछ, और कोई राशन पानी नहीं पहुंचाई मुखिया जी? और कोई नहीं, मुखिया जी अभी तक तो कुछ नहीं पहुंचा। घर के जो ध्वस्त के प्रकार पर जो घर है, इसके बारे में नहीं किसी बात की है? नहीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं अभी तक हुआ है। घर के कितने सदस्य हैं, परिवार की संख्या कितना है? हम लोग पांच हैं। तो एक ही कैमरा में रहते हैं? बस यही में रहते हैं। जर्जर हालात है, जो दिया हुआ है नवारी दिया हुआ है तो क्या कहते सर, भगवान के भरोसे टिके हुए हैं, और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ हाँ भाई, तो क्या कह रहे हैं, यही ना हादसा के हम लोग के देखना है कितना बड़ा गांव है। गया से विप्लव कुमार की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताजा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल, और बने रहें हमारे न्यूज चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।